ऑफलाइन पेस्टल स्प्लिट पेनफिलो, ये दोनों होम ब्रीड हैं, ये फॉर सेल हैं, ये 12,000 का पेयर है, मेल और फीमेल कन्फर्म एच एस लैब से डीएनए हुआ, 35,000 ईच कर दूंगा, एक पीस 35,000 का। असल में ऑफलाइन का मेल है, ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, ये भी पेयर होल्ड कर रहा हूँ मैं, मेल ग्रीन पेनफिलो स्प्लिट ब्लू और ब्लू पेनफिलो है, ये सारे पेनफिलो और स्प्लिट पेनफिलो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे मोहब्बत करने वाले व्यूअरों का मेरे पास टेलीफोन आया कि आपकी वीडियो मतवातर नहीं आ रही, तो उनको तो मैं इतला दे चुका था और बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे कि आया अचानक वीडियो मतवातर, आते आते अचानक रुक क्यों गई। तो कुछ यूट्यूब की पॉलिसी के बायस दोनों बच्चों को मैंने काम पर लगा दिया था, उसके बाद मेरी तबीयत जो है नासाज हो गई थी, कंटिन्यू बुखार था, बुखार के दौरान जो है मैंने फिर टेस्ट कराए तो मेरी फास्टिंग जो शुगर है वो 277 आई, जिसकी वजह कर जो लिपिड प्रोफाइल कराया था उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जो है और लीवर की तरफ ज़रा सा कुछ असर था। अब इलाज चल रहा है इंशाल्लाह अज़ीज़, और इंशाल्लाह जब सही होऊंगा तो मैं आपको मार्केट की भी अपडेट दूँगा और तमाम जो सेटअप वगैरह की वीडियो बनती है उसे भी आप लोगों को मालूमात फराहम करता रहूँगा। इस वक्त आज हम आए हैं एक सेटअप पे और उनके ऑनर से आपको मुतारफ कराते हैं और देखते हैं कि वो किस चीज़ में शौक किया था उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस क्या है और वो क्या कर रहे हैं आजकल और इससे कितना बेनिफिट उठा चुके हैं इस कारोबार से, इस सेटअप से। ये तमाम मालूमात हम सेटअप के ऑनर से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद भाई, क्या हाल और क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अभी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि आपने किस चीज़ का सेटअप किया? मैंने म्यूटेशन बर्ड भी लगाए हैं, कमर्शियल बर्ड भी लगाए हैं, पेलफेलोज भी हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन भी आई है मेरे पास। अच्छा तो आपने इन्हीं से स्टार्ट लिया था या शुरू में कुछ और भी पाला हुआ था? नहीं, मैंने शुरू में इन्हीं से स्टार्ट ले लिया था, जैसे ग्रीन ऑफलाइन, ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, ब्लू ब्लू ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, पार ब्लू ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, यूविंग में पेलफेलो तक मैंने स्टार्ट लिया था। तो अब आपसे ये मालूम करना चाहूँगा मैं कि ये आपका तजर्बा कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा है, हॉबी बहुत अच्छी है, लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए इसमें। हाँ, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पूरा अमाउंट इन्वेस्ट ना कर दें, आधा बचा के रखें, लाइफ स्टॉक है, 19-20 हो जाता है, लेकिन माशाल्लाह अदरवाइज बहुत अच्छी हॉबी है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए आपको तो मज़ा आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो मेजर फॉल्ट आ रहा है वो ये है कि म्यूटेशन के प्राइस दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, तो आपको मज़ा कैसे आ रहा है? मज़ा इस तरह आ रहा है कि देखिए अब तो बर्ड्स ले लिए हैं, काम तो इन्हीं में करना है, अब माशाल्लाह पेलफेलो भी हैं, लेकिन जो कह रहे हैं कि म्यूटेशन के बर्ड डाउन जा रहे हैं, मेरे हिसाब से प्राइस फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि मार्केट डाउन जा रही है, लेकिन म्यूटेशन कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी को भी पेलफेलो ऑफलाइन बनाना है उसे ऑफलाइन बर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, 2 साल की वर्किंग में वो अपना पेलफेलो ऑफलाइन खुद निकाल सकता है, बजाय इसके वो पेलफेलो ऑफलाइन हाई अमाउंट पर खरीदे, पार ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन हो गया, ब्लू पेलफेलो ऑफलाइन, ग्रीन पेलफेलो ऑफलाइन। अच्छा एक सवाल मैं आपसे ये भी करना चाहूँगा कि जब आप इसको मार्केट में लेके जाते हैं तो जिस प्राइस से आपने ख़रीदा था क्या वो मार्केट में भी प्राइस लगती है? नहीं, मार्केट की प्राइस डाउन होती है ज़्यादातर, तो जैसे पब्लिसिटी के थ्रू, देखें ये काम ऐसा है कि इसमें पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है, पब्लिसिटी करेंगे तो लोग आपके सेटअप पे भी आएंगे, देखेंगे, लेंगे, ज़्यादातर सेटअप पे ही माल अल्हम्दुलिल्लाह बिका है। अब कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ फॉस्टर पेयर हैं उनके बच्चे आ गए तो वो पार ब्लू पसनाडा या अगर लोटिनो कॉमन लोटिनो को यहाँ बुलाने के बजाय जाल वालों को दे देते हैं। अच्छा तो म्यूटेशन में आपको वो रेट नहीं मिले मार्केट में जो आपने ख़रीदे थे? हाँ, म्यूटेशन के रेट नहीं है, क्योंकि मैंने भी शेड से खरीदे थे, कराची के अच्छे ब्रीडों से खरीदे थे। देखिए हम तो हैं न्यूट्रल, हमारा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन सेटअप पे हमारी गहरी नज़र होती है कि कौन सा सेटअप ऊपर जा रहा है और कौन सा सेटअप नीचे जा रहा है। जब ये स्टार्ट हुआ था म्यूटेशन तो उस वक्त भी हमने बहुत कम कवरेज की थी, अब हम जितनी भी कवरेज कर रहे हैं ना तो वो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये किसी सूरत से बिक जाए, क्या ये सही है? देखिए रोज़ी तो कहते हैं ना अल्लाह ने लिख के रखी है। देखें रोज़ी तो जाहिर सी बात है, एक चूटी को भी अल्लाह ताला ही रोज़ी दे रहा है ना, इससे हटकर जो आपने शौक़ किया था, अब शौक़ के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि ये बिक जाए और बेचने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है,
इससे मुतालिक है। हाँ, प्राइस वाइज ये टेंशन हो रही है थोड़ी कि कोई आप रेट में बेचना चाह रहे, जिस रेट में लिया तो उस रेट में नहीं जा रहे, तो उसके आधे रेट में जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ऑफलाइन की मार्केट अपनी जगह रहेगी, अभी थोड़े प्राइस कम है, लेकिन ऑफलाइन हर किसी को चाहिए। जो कह रहा है ऑफलाइन की मार्केट गिर गई है, उसने खुद ने भी ऑफलाइन रखे होंगे, क्योंकि पेल फ्लो बनाना किसी भी चीज़ को ऑफलाइन में लेने के लिए आपको एक बार तो ऑफलाइन ज़रूरी है ही ना। चलें आपका सेटअप देखते हैं। ठीक है जी जनाब, ये कौन सा पेयर है? ये मेल ब्लू डबल फैक्टर ऑफलाइन स्प्लिट पेल फ्लो और फीमेल पार ब्लू ऑफलाइन पेस्टल स्प्लिट पेल फ्लो, ये दोनों होम ब्रीड हैं। पट्टे हैं बड़े? ये 6 महीने के हैं, 6 महीने प्लस हैं। मेल फीमेल 5 महीने की है। तो और कितना टाइम लगेगा आपको इनको? इंशाल्लाह बस ये 2 से 2.5 महीने, 3 महीने मैक्सिमम, इसी साल ब्रीड कर जाएंगे। प्राइस बताएं। ये मेरे होल्ड करने के लिए रखे हुए हैं। अच्छा, ये नॉट फॉर सेल है? जी प्राइस जी, ये फॉर सेल है, कौन से हैं बताएं? ये लोटिनो फिशरी रेड आई हैं, ये फॉर सेल हैं। ये 12,000 का पेयर है, प्लस DNA 2,000। डीएनए के साथ 13,000 का पेयर कर दूंगा जमशेद भाई आपके व्यूवर्स के लिए। नहीं, पहले आपने कितने का बताया था? यानी 12 प्लस 2,000 DNA। अच्छा, 14 का पड़ेगा। हाँ, तो मैंने 13 का कर दिया। अच्छा, DNA के साथ जो देंगे तो आप 13 का देंगे? जी, डीएनए के साथ 13,000 का पेयर कर दूंगा जी। ये ग्रीन ऑफलाइन है जी? ये ग्रीन ऑफलाइन पेयर है DNA के साथ, मेल फीमेल। ये 25,000 विद DNA। 25,000 विद DNA जी। अच्छा, मेल और फीमेल कंफर्म? मेल और फीमेल कंफर्म, HS लैब से DNA हुआ इनका। नेक्स्ट में क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट में ये बराबर में भी ग्रीन ऑफलाइन का पेयर है जी जनाब, इसके मुताबिक बताएं। ये भी ग्रीन ऑफलाइन का पेयर है, इसकी मार्किंग थोड़ी डार्क है। ये भी बॉन्डी, ये DNA के साथ है, मेल फीमेल। 30,000 पेयर जी DNA के साथ, इसकी मार्किंग उसके मुकाबले में थोड़ी ऑरेंज हुड मार्किंग में ज़रा ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये अभी 3 मंथ प्लस हैं, तो इनको अभी 4-5 महीने लगेंगे ब्रीड करने में। 4-5 महीने करना पड़ेगा जी। पट्टे हैं इसी सीज़न में इंशाल्लाह ब्रीड करेंगे। अच्छा जी जनाब, इसमें बताएं? इसमें सर ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन, ग्रीन ऑफलाइन का मेल है, ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू का मेल है, और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है। इनके प्राइस भी बताते जाएं। ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू 5 महीने प्लस का पीस है, ऑलमोस्ट 6 महीने का, ये 10,000 का है विद DNA। ग्रीन यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू 12,000 का DNA के साथ, ग्रीन ऑफलाइन 6 महीने प्लस का पीस है 11,000 DNA के साथ, सॉरी इसमें मिस्टेक कर गया, 13,000 DNA के साथ, और ग्रीन यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, ये 18,000 DNA के साथ। अच्छा, सेम एज के हैं ये तीन महीने? ये तकरीबन नहीं, ये 6 मंथ में है, 5 मंथ प्लस 6 मंथ है। अच्छा, 6 मंथ, वो जो पहले आपको दिखाया ना वो 3 मंथ प्लस हैं। अच्छा, 4 मंथ के जो हैं ये सारे 6 मंथ प्लस हैं? हाँ, ये तकरीबन 6 मंथ प्लस हैं जी जनाब, इसके मुताबिक बताएं। सर ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल है, ये LSP के शो के लिए तैयार कर रहा हूँ, ये मैं दे दूँगा 18,000 की, और ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल है, ब्लू यूविंग ऑफलाइन की फीमेल है, ये 35,000 ईच कर दूँगा, एक पीस 35,000 का। असल में सेल पेयर के साथ करना है, फिर देखते हैं जो मेल बच जाते हैं उसको। पार ब्लू ऑफलाइन का मेल है, ये 55,000, ये सारे 6 मंथ, ऑलमोस्ट 6 मंथ के हैं, और पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल ये 60,000 का। तो ये फीमेल है सारी? ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू फीमेल है, और ब्लू यूविंग ऑफलाइन फीमेल है, एक पार ब्लू ऑफलाइन मेल है, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन मेल है, और ब्लू यूविंग ऑफलाइन मेल है। अच्छा,
इनके प्राइस आपने बता दिए जी, इनके प्राइस बता दिए जी, इसके मुताबिक बताएं सर। इसमें ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का पेयर है, ऑलमोस्ट 3 मंथ का। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू मेल, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू फीमेल, और 2 पीस ग्रीन स्प्लिट ब्लू फीमेल के हैं, ग्रीन स्प्लिट ब्लू फीमेल डीएनए के साथ हैं सब। और एक पार ब्लू पसनाटा स्प्लिट इनू है, यह पॉसिबल इनू है क्योंकि मेल अल्बानी ब्लैक है स्प्लिट रेड आई, और फीमेल पार ब्लू पसनाटा स्प्लिट इनू से ये फीमेल डीएनए के साथ है, पॉसिबल इनू में। ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू के प्राइस 40,000, ग्रीन स्प्लिट ब्लू का पेट 12,000, और पार ब्लू पसनाटा पॉसिबल इनू के प्राइस 12,000 विद डीएनए। इसके मुताबिक बताएं। ये पेयर मैंने होल्ड किया हुआ है, मेल ग्रीन पेलफेलो स्प्लिट ब्लू और फीमेल पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन स्प्लिट पेलफेलो है। ये ऑलमोस्ट 6 मंथ का पेयर है, इंशाल्लाह इसी साल ब्रीड कर देगा। इसके पट्टे बेचेंगे? हाँ इंशाल्लाह। अच्छी बात है जी। इसके मुताबिक बताएं। ये भी पेयर होल्ड कर रहा हूँ मैं, मेल ग्रीन पेलफेलो स्प्लिट ब्लू और फीमेल मेल पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेलफेलो और फीमेल ग्रीन पेलफेलो स्प्लिट ब्लू, ये भी मैंने अपने लिए होल्ड किया हुआ है। नॉट फॉर सेल है जी? नॉट फॉर सेल है ये जी। इसके मुताबिक बताएं सर। ये ग्रीन पेलफेलो स्प्लिट ब्लू और ब्लू पेलफेलो हैं, ये सारे पेलफेलो और स्प्लिट पेलफेलो ऑफलाइन यूविंग में जो है वो मेरी होम ब्रीड है, इनको मैंने अपने लिए होल्ड किया हुआ है। अच्छा, ये नॉट फॉर सेल है जी? ये नॉट फॉर सेल है, इंशाल्लाह इनके चिक्स सेल करेंगे जी। इसके मुताबिक बताएं सर। ये ग्रीन ऑफलाइन के 2 पीस हैं, दोनों डीएनए मेल हैं, ये भी फॉर सेल हैं, इनके भी इंशाल्लाह जैसे ही थोड़े बड़े होंगे तो इनको पेरेंट्स अलग करके फिर इनको भी सेल आउट कर देंगे। 15,000 ईच पीस मेल है, 15,000 मेल और फीमेल? नहीं, दोनों मेल हैं। अच्छा, दोनों मेल हैं, दोनों ग्रीन मेल हैं, और ब्लू फिशी का पेयर फॉस्टर पेयर है। अच्छा ठीक है, तो ये एक पीस आप दे रहे हैं 15,000 का? आपके व्यूवर्स के लिए 13,000 का कर देंगे। अच्छा, 13,000 का कर देंगे, मेल है ना? तो व्यूवर ये इनका सेटअप है, और सेटअप का एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, और छोटी सी मतलब बहुत अच्छी इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, और जोड़े भी लगे हुए हैं, और इसमें पट्टे वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा। तो ये थी इनके सेटअप की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो व्यूअर, ये इनका सेटअप का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाया है। बारिशों के सीज़न में जो उन्होंने बॉक्स लगा दिए हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो बहुत छोटे होते हैं और वो मर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? तो उसके लिए ये करें एहतियात के अगर आपकी शेड छत पे है या कोई ऐसी जगह पे है और जहाँ पर नमी 100% या 99% या 98% या 97% नमी होगी तो बच्चे वहाँ सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उनको इनक्यूबेटर में रख लें। कॉकटेल की बहुत सारी शिकायतें आई हैं, पिंचों की बहुत सारी शिकायतें आई हैं बच्चों के मरने की, बहुत सेटअप से ये शिकायतें आ रही थी। तो उन सबको हमने कहा कि आप ऐसा करें कि एक इनक्यूबेटर लें, और या तो फिर अपने सेटअप के अंदर कोई आग वगैरह जला लें, या कोई ऐसा बल्ब वगैरह लगा लें 200-200 वाट के जो नमी को कम करे। नमी ज़्यादा होने के बाइस बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते, और नमी की वजह कर बहुत सारे ब्रीडर हजरात परेशान हैं। तो नमी अपने शेड को कहने का मकसद ये है कि अपने परिंदे के शेड की नमी को आप टोटल कंट्रोल करें, 60-70 तक रखें, इससे ऊपर जाएगा तो बच्चे डिस्टर्ब होंगे और मरेंगे भी। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो बशीर मेमन साहब, आप ये बताएं कि हमारे व्यूअर के साथ ताबुन रहेगा आपका? बिल्कुल बिल्कुल जमशेद भाई, आपके साथ आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो हम आपके व्यूअर के साथ क्यों कोऑपरेट नहीं करेंगे। अच्छा।
दूसरी बात ये कि जो आपने रेट बताए हैं उसमें फ्लैक्चुएशन है? जी जी बिल्कुल कर देंगे आपके व्यूवर्स के लिए, कोई आपके चैनल के थ्रू आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। अच्छा, जो पट्टे होंगे वो पट्टे कह के देंगे? नहीं, जो है वो कह के देंगे। जो तैयार पेयर हैं वो तैयार पेयर करके? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह को जवाब देना है, सब यहीं रह जाएगा, जो है वो कह के देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अपना फ़ोन नंबर हमारे व्यूवर के लिए शेयर कर दें। 03172882585। अच्छा, एक दफ़ा और आराम आराम से अपना फ़ोन नंबर शेयर करें। 03172882585। तो उम्मीद है कि लोग आपसे रब्ता करेंगे, तो आप उनके साथ पूरा तआवुन कीजिएगा इंशाल्लाह। तो वीवर ये था बशीर मेमन साहब के सेटअप का विज़िट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम कोई नए सेटअप के साथ या कोई नई वीडियो के साथ या कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे। जब तक आप हमारे बेल आइकन जो सफ़ा है, हमारा जो यूट्यूब का बेल आइकन है उसे और लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द हाज़िर होंगे। अपनी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, मेरी तबीयत इजाज़त देगी तो इस तरह सेटअप की वीडियो मज़ीद आना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।